नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नागरिकता संशोधन कानून की आड़ में उत्तर प्रदेश हिंसा करने वालों से योगी सरकार सख्ती से निपट रही है। जहां एक तरफ योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों के पोस्टर लगवा दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस वसूली के लिए किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। और तो और, हाईकोर्ट के फैसले पर भी योगी सरकार डटी हुई है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के पोस्टर हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा चुका है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उपद्रवियों से क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश के तहत कानून बनाने की तैयारी भी कर रही है। अभी तक योगी सरकार साल 2011 के शासनादेश यानी गो के तहत कार्रवाई कर उपद्रवियों से वसूली करने की तैयारी कर रही है। इसे आप समझ सकते हैं कि योगी सरकार ने वसूली की पूरी तैयारियां कर ली हैं और सरकार किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं है। इसीलिए जो उपद्रवी अभी तक मदद की गुहार लगा रहे थे, सीएम योगी से माफी मांग रहे थे और कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे, उन्हें भी समझ आ गया है कि उन्हें योगी एक्शन में माफी मिलने वाली नहीं है और उपद्रवियों को हर कीमत पर जुर्माना भरना होगा। इसी कड़ी में कानपुर में 6 आरोपियों ने प्रशासन को 80,856 रुपए की भरपाई की है। जी हां, जानकारी के मुताबिक पिछले साल दिसंबर महीने में सीए की आड़ में कानपुर में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, जिसमें ये साफ कर दिया गया था कि जिसने हिंसा फैलाई है, नुकसान की भरपाई उसे ही करनी होगी। बता दें कि इस हिंसा के दौरान कुछ दंगाइयों ने कानपुर में यतीम खाना चौकी को आग के हवाले कर दिया था। चौकी को फूंकने वालों में तकरीबन 21 प्रदर्शनकारियों के नाम शामिल थे। इन्हीं में से 6 प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को 80,856 की भरपाई की है। इन 6 प्रदर्शनकारियों ने बैंक ड्राफ्ट के जरिए रकम एडीएम सिटी को सौंपी है। इन 6 प्रदर्शनकारियों में यासिन, मोहम्मद, अरमान, गुरगुट, इरफान, दिलशाद और लियाकत शामिल है। कानपुर में प्रशासन द्वारा गठित की गई कमेटी ने नुकसान का आकलन लगभग 2.83 लाख रुपए किया है। जल्द ही दूसरे लोगों से भी वसूली की जाएगी। अब ऐसे में योगी एक्शन में उपद्रवियों की खैर नहीं है। उपद्रवी भी ये अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने जुर्माने की राशि को जल्द से जल्द नहीं भरा तो उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब योगी सरकार की तरफ से सीए प्रदर्शन के जुर्माने को वसूल किया गया हो। इसके पहले भी बुलंदशहर में रिकवरी नोटिस के जरिए उपद्रवियों से वसूली की जा चुकी है। बुलंदशहर में उपद्रवियों ने 6.27 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट डीएम को सौंपा था। इसी कड़ी में अगर पूरे यूपी की बात करें तो नुकसान की राशि का अनुमान 1,55,62,000 के आसपास बताया जा रहा है, जिसे वसूलने की प्रक्रिया के तहत सभी लोगों को नोटिस जारी करने के साथ साथ पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। इस तरह की कार्रवाई से साफ हो जाता है कि योगी के एक्शन से कोई नहीं बच सकता है। अगर कोई भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करता है तो योगी सरकार उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।